हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज रश्मि। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी एक वेडिंग गेस्ट लुक। गाइस, इट्स नॉट अ मेकअप लुक, इट्स एन ओवरऑल लुक जिसमें मैं आपको आउटफिट से लेके ज्वेलरी, फुटवेयर सब कुछ शेयर करूंगी और काफ़ी सारे टिप्स भी मैं आपसे शेयर करूंगी जो कि मेरे बहुत काम आती हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, कि आप कैसे कम पैसों में एक एक्सपेंसिव लुक अचीव कर सकते हो। सो गाइस, अगर इस तरीके के फैशन वीडियोस में आप इंटरेस्टेड हो देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू, जिससे कि आपसे आगे आने वाले वीडियोस मिस ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। गाइस, आउटफिट की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि मैं बहुत ही जुगाड़ू इंसान हूँ, मैं हमेशा मिक्स एंड मैच करके कुछ ना कुछ क्रिएट कर लेती हूँ और बहुत ही कम पैसों में एक्सपेंसिव सा ड्रेस में तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने ना लास्ट ईयर, मतलब पूरा एक साल पहले, एक लोकल मार्केट से एक दुपट्टा परचेज किया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लग गया था। मेरे पास उसके मैचिंग का कुछ भी नहीं था उस वक्त पर, लेकिन पे क्या होता है कि कभी कभी होता है ना, आप मार्केट में जा रहे हो और कोई चीज़ आपको अच्छी लग जाती है तो आप सोचते हो कि चलो ले लेते हैं, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगी, कभी ना कभी हम इससे कुछ बना ही लेंगे। सो मैंने ये दुपट्टा परचेज किया था लोकल मार्केट से। गाइस, इतना प्यारा लगा था मुझे, एक तो कलर बहुत प्यारा है, वाइन कलर है जो कि मुझे बहुत पसंद है, और ये नेट का दुपट्टा है। गाइस, बहुत ही सुंदर, इस पर इस तरीके का बॉर्डर भी है, मतलब लेस वाला ये बॉर्डर लगा हुआ है इसमें, और इस तरीके का इसमें एम्ब्रॉयडरी भी हो रहा है, सीक्वेंस वाला एम्ब्रॉयडरी हो रही है। तो ये दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा लगा था, तो ये मैंने लास्ट ईयर ख़रीदा था। आई थिंक मैंने ये 350 के अराउंड लिया था लोकल मार्केट से, और फिर मैंने इसको रखा कि कभी ना कभी दिमाग में कोई आइडिया आएगा और मैं कुछ ना कुछ इससे बना ही लूँगी। सो बेसिकली मैंने क्या किया था कि दुपट्टा का जो कलर था उसको दिमाग में रखते हुए मैंने कुछ चीज़ें पिक की, जैसे कि मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर रही थी मीशो पे तो मुझे ये स्कर्ट दिखी जो कि सेम कलर में है, और ये गाइस इसमें इतना ज़्यादा फ्लेयर है, इस स्कर्ट में काफ़ी ज़्यादा फ्लेयरी है, बहुत ज़्यादा इसमें फ्लेयर है, और इसमें इस तरीके के ये लटकन भी है, मुझे बहुत प्यारी लगी थी ये स्कर्ट। और क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी फ्लेयरी वाले जो स्कर्ट होते हैं, मतलब वो लहंगे का बहुत अच्छा लुक दे देते हैं, तो मैंने ये वाली स्कर्ट मीशो से परचेज की थी। ये आई थिंक 800 से 900 के बीच में है। तो मैं जो भी चीज़ें मैंने ऑनलाइन परचेज की हैं जिनके लिंक्स या कोड्स मैं दे सकती हूँ वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेकआउट कर लेना इन केस आपको कुछ बाय करना हो। जो चीज़ें मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट आपको एक आइडिया तो मिल ही जाएगा ना, आप चीज़ों से कैसे मिक्स एंड मैच करके क्रिएट कर सकते हो अपना एक आउटफिट। ठीक है, लोकल मार्केट से भी आप फैब्रिक वगैरह लेके कर सकते हो। सो ये वाली स्कर्ट आप चाहो तो इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, या फिर आप ऐसे फैब्रिक लेके, ये फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा महंगा वाला फैब्रिक नहीं है, या आप फैब्रिक लेके स्टिच भी करा सकते हो, तो इसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा। बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ऑनलाइन परचेज कर लो, क्योंकि जितने की ये स्कर्ट आई है ना उतना आपका स्टिचिंग का चला जाएगा, तो फिर फैब्रिक का आपको एक्स्ट्रा ही पड़ेगा, तो उससे अच्छा आप ऑनलाइन कर लो, मैं कोड दे दूंगी। तो ये वाला स्कर्ट मैंने परचेज किया इसके साथ में। फिर अब दुपट्टा हो गया था, स्कर्ट हो गया था, फिर मैंने क्या किया कि मैं लोकल मार्केट में गई फैब्रिक वाले शॉप पर, और मैंने वेलवेट का एक फैब्रिक लिया सीक्वेंस वर्क में, ये मिरर वर्क में है, और ये मैंने फैब्रिक लेके और मैंने इसका ब्लाउज स्टिच कराया। आप देखो कितना प्यारा, मतलब मेरे को मिल गया था, एक तो कलर मेरे को मिल गए थे, तो मैंने ये ब्लाउज स्टिच कराया अपने टेलर से, और इसमें जो पीछे डोरी लगवाई ना इसमें बहुत प्यारे से लटकन बना के दिए मुझे भैया ने, तो ये देखो आप कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब बहुत ही प्यारे से लटकन बना के दिए हैं, तो ये एकदम डिज़ाइनर सा ब्लाउज लगता है। तो मैंने इन तीनों को मिलाकर, मतलब ऐसे अलग अलग चीज़ों को मिलाकर मैंने एक अपना आउटफिट तैयार किया, तो ये मेरा एक लहंगा तैयार हो गया। ज्वेलरी के लिए मैंने क्या किया कि ज्वेलरी के लिए ना ये सेट है, इसमें दो ये बड़े बड़े इयररिंग्स हैं, और इसके साथ में आपको एक मांग टीका भी मिल जाता है, ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया था अमेज़ॉन से, तो ये वाला मांग टीका भी मिल जाता है इसके संग में। तो मैंने ये मेरा इतना वर्सेटाइल सेट है, ये इतना ज़्यादा यूज़ हुआ है, ये कभी आपको अगर मांग टीका यूज़ नहीं करना है तो आप सिर्फ इयररिंग्स यूज़ कर लो, और कभी आपको पूरा सेट यूज़ करना है पूरा सेट यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी ना आप सिर्फ मांग टीका कैरी करो, इयररिंग्स भी मत कैरी करो, तो भी ये बहुत अच्छा लुक आता है इससे। और क्योंकि ये ना गोल्डन में है विद इसमें पर्ल्स हैं वाइट कलर के, तो ये ज़्यादातर आउटफिट्स पे चला जाता है, तो ये वाला मेरा मतलब बहुत ही वर्सेटाइल सेट है, मैं काफ़ी आउटफिट्स पे इसको पहन चुकी हूँ। आप अगर मेरे वीडियोस देखते हो ना रेगुलरली तो आपको पता होगा कि मैंने काफ़ी बार इसको वेयर किया है, ये मेरे काफ़ी सारे आउटफिट्स पे मैच कर जाता है। तो ज्वेलरी के लिए मैंने ये, और ये भी कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, अफोर्डेबल सा है, मैं लिंक दे दूंगी इसका नीचे, अगर आपको चाहिए होगा तो आप ले सकते हो। रिसेंटली मैंने बिग बॉस, अभी जो चल रहा है सीज़न बिग बॉस में, मैंने निमृत को ये सेम सेट पहने हुए देखा,
तो मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार मेरे पास है ये वाला सेट, तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप परचेज कर लेना। साथ में मैंने ये दो कॉकटेल रिंग्स भी वेयर की थी दोनों हाथ में। तो ये वाले रिंग्स ना, ये भी बहुत ही वर्सेटाइल आप रहते हैं रिंग्स, बहुत ही ज़्यादा आप कहीं पे किसी भी आउटफिट में आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये भी गोल्डन में, गोल्डन कलर में है और इसमें भी पर्ल लगे हुए हैं और ये आपका स्टोन में है। तो ये वाले रिंग्स ना आप किसी भी आउटफिट के साथ वेयर कर सकते हो। ये मैंने ऑफलाइन लिया था तो इसको मैं लिंक नहीं दे पाऊंगी। आपके पास कोई और रिंग हो तो आप वो कैरी कर सकते हो अपने आउटफिट के साथ, इट्स जस्ट एन आइडिया। तो ये वाले रिंग का मैं देखूंगी, अगर मुझे लिंक मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे परचेज किए हुए, तो मैं दे दूंगी इसका लिंक भी। फुटवेयर के लिए मैंने वेयर किए थे ये बेज कलर के ब्लॉक हील्स। तो गाइज इसलिए क्योंकि एक तो ये मेरे ज्वेलरी में जो पर्ल दिए हुए हैं ना वाइट वाले, उसके साथ में मैच कर रहे थे, ठीक है। दूसरा इनमें कुशन है, तो क्योंकि आई हैव सेंसिटिव फीट तो मैं बहुत ज़्यादा हार्ड सोल्स नहीं पहन सकती, तो इनमें कुशन है तो मैं इनको ईजिली वेयर कर पाती हूँ। इवन मैंने इनको पहन के डांस भी किया है तो बिल्कुल भी मेरे पैरों में दर्द नहीं हुआ, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो मैंने ये भी अमेजोन से ही लिए हैं, तो इसका लिंक भी मैं दे दूंगी अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर मुझे मिल जाता है, आई होप मिल जाए तो मैं आपको लिंक दे दूंगी। जो भी चीज़ें मैंने ऑनलाइन लिए ना, उनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे और बाकी चीज़ों के लिए आपको आइडिया मिल जाएगा आप कैसे आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। कभी कभी होता है आप कोई भी आप अगर ऑनलाइन एक्सप्लोर कर रहे हो या फिर ऑफलाइन भी आप मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हो और आपको प्लेन कोई भी ऐसे स्कर्ट दिख जाती है और आपको वो कलर पसंद हो तो आप उसको ले लेना, एंड बाद में आप दुपट्टा वगैरह मैच करा सकते हो, ब्लाउज वगैरह मैच करा सकते हो और आपका कम पैसों में बहुत ही एक्सपेंसिव सा ड्रेस तैयार हो जाएगा। गाइज ये प्रो टिप्स हैं, रख लेना, फ्री है। बालों के लिए मैंने क्या किया था कि क्योंकि मेरे बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी शॉर्ट करा रखे हैं, तो मैंने अपने जो मेरा वेगा का 3-in-1 हेयर स्टाइलर है उससे मैंने थोड़ा थोड़ा सा कर्ल किया था बालों को, रोल किया था बेसिकली, तो बहुत ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा करो तो वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाते हैं हेयर, तो मैंने बहुत हल्का सा उनको रोल किया था बालों को। और बाकी ज्वेलरी से मतलब जब ज्वेलरी पहन ली थी तो वो ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लग रहा था। कर्ल करने के बाद में मैंने थोड़ा सा पीछे पिनअप कर लिया था बालों को और मेकअप किया था। मेकअप गाइज मतलब मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ और अगर आपको मेकअप में भी इंटरेस्ट है तो बीच बीच में मैं मेकअप वीडियोस भी पोस्ट करती रहती हूँ तो आप देख सकते हो मेरे वीडियोस। तो इस तरीके से मैंने ये वाला लुक अचीव किया बहुत ही कम पैसों में और काफ़ी अच्छा लुक अचीव हो गया था। मतलब सब लोगों ने जहाँ जहाँ जिन जिन ने मेरी पिक्चर्स देखे सबको बहुत पसंद आया ये वाला लुक, सब ने बहुत तारीफ की। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ आइडियाज़ मिल गए होंगे इस वाले वीडियो से। गाइज इस तरीके के और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।